नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। कैबिनेट में आए हैं 20 प्रस्ताव। तो आईटीबीपी के साथ होगा सरकार का एमओयू। सरकारी समितियों के माध्यम से आईटीबीपी को सप्लाई होगी मीट, अंडे और मछली। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद से होगी सप्लाई। चिकित्सा विभाग में औषधि नियंत्रक का एक पद होगा सृजित। 6600 ग्रेड पे के स्तर का होगा मानदेय। तो वहीं मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार ने लाया अध्यादेश। 2024 कैबिनेट में 20 प्रस्ताव आपको बता रहे हैं। अध्यादेश की अवधि 3 साल और बढ़ाई गई है। 2018-2021 में 3-3 साल के लिए लाए थे अध्यादेश। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को बढ़ाया गया है। वहीं योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया। तो कैबिनेट में 20 प्रस्ताव आपको बता रहे हैं। 2027 तक इस योजना में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। साल में 3 गैस फ्री रिफिल किए जाएंगे। तो आईटीबीपी के साथ होगा सरकार का एमओयू। आईटीबीपी को सप्लाई होगी अंडे और मछली। सहकारी समितियों के माध्यम से होगी सप्लाई। कैबिनेट में 20 प्रस्ताव आपको बता रहे हैं। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद से ये सप्लाई होगी। सीमांत जनपदों में किसानों की आर्थिकी और ज्यादा मजबूत करेगी सरकार। तो वहीं लगभग 200 करोड़ का बिजनेस होने की उम्मीद है। मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि नियमावली में भी संशोधन। चिकित्सा विभाग में औषधि नियंत्रक का एक पद होगा सृजित। तो वहीं 6600 ग्रेड पे के स्तर का होगा मानदेय। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। तो वो आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को भी बढ़ाया गया है। तो योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत और ज्यादा गर्म होने लगी है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही इस उपचुनाव को जीतने का दावा कर रही है। जबकि इस चुनाव पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक निगाहें टिकी हुई है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी में भी प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर घमासान इसलिए भी मचा है कि यहां पर पहले प्रदेश नेतृत्व द्वारा 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ने 2 और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। संख्या हो गई 4। और अब जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वह यही है कि पर्यवेक्षक कौन है। अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देने के बजाय सीधे पार्टी हाईकमान को भेज दी। पर्यवेक्षकों की इस रिपोर्ट के बाद अब प्रदेश के भीतर कांग्रेस में घमासान मच गया है। जबकि दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी भले ही ऑल इज वेल की बात कर रही हो, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। देखिए, भाजपा पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भाजपा पार्टी में चाहे कोई भी नेता है वो सब पार्टी के अनुशासन के दायरे में ही रहते हैं। किसी भी व्यक्ति ने, जो भी वहां दावेदार है, किसी ने इस प्रकार की बात नहीं कही है। और भाजपा पार्टी जो वहां पर जो हमारी राय शुमारी और जो सर्वे वहां कराया गया है उसके आधार पर केंद्र नेतृत्व निश्चित रूप से फैसला लेगा और एक अच्छे सुयोग्य प्रत्याशी, क्योंकि हमारे पास योग्य प्रत्याशी बहुत सारे हैं वहां, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी, कमल के फूल के लिए हमारे भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, एक अनुशासन के इदारे में काम करते हैं। और जिसको भी प्रत्याशी घोषित किया जाएगा उसके लिए सभी, चाहे दावेदार हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी कमल के फूल के काम करने वाले और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया रही है और अगर उस प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को न सौंप करके सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है तो इस पर जो है जो अन्य दावेदार है उनको ऐतराज है और निश्चित तौर पर जो अन्य दावेदार है उनको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। अगर उनको विश्वास में नहीं लिया गया है और सीधे मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपने का प्रयास हो रहा है तो उसका विरोध होगा और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर हम केंद्रीय नेतृत्व तक जाकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
नहीं, जिस तरीके से प्रत्याशी चयन को लेकर के मनमाना और रवैया अपनाया जा रहा था, पर्यवेक्षक मनमाने तरीके से अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, उस आशंका से पहले ही मैंने प्रदेश के सह प्रभारी को अवगत करा दिया था और मैंने कहा था इसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी और जो भी वहां पर दावेदार है उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है, जैसे समाचार पत्रों में छपा है, कि रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपने का प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर ये गलत है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही टेंशन बढ़ी हुई है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस में पर्यवेक्षकों की ओर से प्रत्याशियों के पैनल दिल्ली भेजे जाने पर घमासान मच गया है। इसके तहत पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर उसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बजाय सीधे दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद पार्टी में अब घमासान की स्थिति पैदा हो गई है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी भी अभी प्रत्याशियों को लेकर अभी मंथन कर रही है, अभी किसी तरह का कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की टेंशन यहां पर बढ़ रही है। अब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ होगा, सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। तो कांग्रेस में अभी तक पर्यवेक्षकों के ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ना भेजकर सीधे दिल्ली भेज दिया। अब वहां पर कुमारी शैलजा वहां पर मंथन करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी टेंशन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। उसकी तरफ से भी किसी तरह का कोई उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। हालांकि अभी दावेदारों की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा लंबी है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और कांग्रेस में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी चर्चाएं निकलकर सामने यही आ रही हैं कि कांग्रेस के अंदर खुद कलह की स्थिति है। जो पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार किया था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ना भेजकर सीधे दिल्ली भेज दिया। अब देखिए, कांग्रेस एक जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रतिभावान योग्य अधिक लोग हैं और ऐसे में हर कई नेता जो है वो चाहते हैं कि केदारनाथ का उपचुनाव लड़े, तो स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ भाजपा भी अछूती नहीं है, भाजपा के यहाँ भी इस तरह का विरोधाभास है। ये लोकतंत्र में ये सब होता है कि अलग अलग पार्टी में रहते हुए अलग अलग नेता अपनी प्रतिभा योग्यता और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कांग्रेस में ज्यादा लोग हैं तो इसमें सर उठबल कहां से हो गया, पार्टी हाईकमांड जिसको भी। चलो ठीक है अग्रवाल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। विपिन कैथला जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। विपिन जी, अगर हम अभी तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर कलह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी के भी कई दावेदार हैं और अभी तक किसी तरह का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। देखिए, बीजेपी का अपना देखिए काम करने का तरीका है। हमने जो हमारे पैनल हैं हमारे स्टेट में वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए। अरे कांग्रेस तो है नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं है और जो उनके प्रवेक्षक जो है वो सीधे सीधे अपने प्रभारी को उसका पैनल भेज दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने का तरीका है, हमारा अपना काम करने का मेथड है और हमने अपना नेशनल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको सारे नाम भेज। और निश्चित रूप से मैं आशा है कि 2 या 3 दिन में हमारा प्रत्याशी हम सब लोगों के बीच में हो, लेकिन कौन प्रकार की चीजें चल रही है चलिए ठीक है। विपिन जी अग्रवाल साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसको इग्नोर किया गया है। जो आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। देखिए, ये सर्वविदित है कि प्रदेश से जो भी नाम जाएंगे जिसके भी माध्यम से जाएं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी अपने सुझाव देंगे, उनसे भी सुझाव लिया जाएगा। पार्टी हाईकमान और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सभी लोगों के। नहीं अग्रवाल साहब, आपकी बात ठीक है कि जो ऊपर आलाकमान है वो तय करेगा, लेकिन अगर आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ही इग्नोर करके चलेंगे तो ये तो चिंता का विषय है ना कांग्रेस के लिए भी। या तो उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। महत्वपूर्ण सुझावों को बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान उनके व्यू जानेगा, उनके व्यू भी जानने के बाद सभी लोगों की सलाह से ही उम्मीदवार
का निर्णय होगा। इस पे भाजपा लोगों को इसलिए ज्यादा चिंता है कि बद्रीनाथ और मंगलवार का उपचुनाव हारने के बाद ज्यादा चिंता भाजपा नेताओं को है। कोई बात नहीं, उनकी चिंता भी जायज है, क्योंकि केदारनाथ का जिस प्रकार से भाजपा ने अपमान किया है, जिस प्रकार से इग्नोर किया है, जिस प्रकार से नए चार धाम नया केदारनाथ बनाने का दिल्ली में साजिश रची गई और कांग्रेस ने उसका पर्दाफाश किया है, वो चिंता भाजपा को होना स्वाभाविक है। उनकी चिंता के साथ हमें भी सहानुभूति है कि कम से कम केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाने का जो षड्यंत्र है उनका फेल हो गया है। ठीक है विपिन जी, आपको ज्यादा चिंता है, अग्रवाल साहब बोल रहे हैं। नहीं, अग्रवाल साहब को तो हरीश रावत जी की और तमाम लोगों की चिंता होते हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। और देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो बद्रीनाथ सीट थी वो कांग्रेस की सीट थी, और जहां पर चुनाव हुआ था हरिद्वार की मंगलोर सीट पर, वो भी बसपा की सीट थी, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पे दूसरे नंबर पे है, और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम 300-400 कम के मार्जिन से वहां पे चुनाव हार रहे हैं। लेकिन केदारनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी की ट्रेडिशनल सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने वाली है। और जहां तक रही केदारनाथ को दिल्ली में बनाने वाली बात, तो मैं अग्रवाल जी को पूछना चाहता हूं कि हरीश रावत जी भी ढिंडोरा पे ट्वीट करके और गणेश गोदियाल जो कि इस समय इनके प्रत्याशी रहे हैं गढ़वाल लोकसभा से, और जिन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में नाम जो है सीधे सीधे प्रभारी को सौंप दिए हैं, उन गणेश गोदियाल, समय कम है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और सुरेंद्र अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल किए थे, जिस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षकों की 100% भर्ती करने के लिए अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने शिक्षार्थियों की संख्या को आधार बनाया है, जिसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग की तैनाती के लिए 28 अक्टूबर को काउंसिलिंग करने जा रहा है, इसके बाद प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा, और काउंसलिंग के बाद भी जिन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत होगी वहां एलटी परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के स्कूलों में ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो सालों से स्कूलों से गैर हाजिर है या फिर फर्जी तरीके से नौकरी में आए हैं, ऐसे शिक्षकों को सरकार बर्खास्त करने का काम कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि नियमित रूप से स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकार सम्मानित करेगी। देखिए, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में मैंने सदन में भी कहा था कि हम अक्टूबर तक 100% टीचर दे देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी अब पांचवी काउंसलिंग जो है 28 तारीख को हो रही है बेसिक शिक्षा की, और कोई भी स्कूल उत्तराखंड की ऐसी नहीं होगी जहां के हमने टीचर विहीन होगी। हमने कहा है कि जहाँ मिनिमम 5 बच्चे हैं वहाँ हम एक शिक्षक देंगे, जहाँ 5 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 2 शिक्षक देंगे, जहाँ 30 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 3 शिक्षक देंगे, जहाँ 70 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 4 शिक्षक देंगे, और जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 5 शिक्षक देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अब 100% शिक्षक हमने दे दिए हैं, और LT का भी रिजल्ट जो है नवम्बर 1st सप्ताह आने वाला है। LT में भी हम 100% टीचर देने का काम कर रहे हैं। अब टीचरों की कमी पूरे प्रदेश में कहीं भी रहने वाली नहीं। उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों हुए हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी के द्वारा ट्वीट करके दिए गए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहना ने कहा कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं और जब भी चुनाव आता है उनके द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसके बाद जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से हट जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी के इस बयान को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है, बल्कि सरकार से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता, वो बीजेपी के बीच टीम के रूप में काम करता है। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन और वोट का जो उनका एजेंडा है वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है, और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए।
जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए, और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को हैं उनको तोड़ने मरोड़ने, उनको उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करते रही, वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। लेकिन अवेसी जी का ऐसे समय में ये बयान आना जब हमारे यहाँ उपचुनाव है, निश्चित ही इस ओर को इंगित करता है कि बीजेपी की बीटी के रूप में काम करते हैं। मेरी जो भावना है वो पुष्ट हुई है इससे। खबर रानी पोखरी से, जहां शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई वह वन और उद्यान विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया कि ये बताकर कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है। वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। करीब रात 2 बजे वन विभाग की उड़नदस्ता टीम को इस घटना की जानकारी मिली और विभाग की टीम सभी तस्करों को पकड़कर रेंज कार्यालय ले आती है। वन विभाग और उद्यान विभाग की इस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था, पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने आज रुड़की तहसील पहुंचकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि आज पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को एआरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना था, पर आरटीओ कार्यालय सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया, जिसके बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को तहसील पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस बीच पुलिस ने बैरिकेड लगाकर तहसील पहुंचने वाले किसानों को एसडीएम चौक पर रोकना चाहा, पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। रुड़की में यहाँ पर एक तहसील में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। मामला यह है कि 6 अगस्त में हमारे लोग एआरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म हुआ, जिसमें माइक में खुद आके मैडम ने किसानों के बीच कहा कि भाई धरना शांतिपूर्वक समाप्त किया गया है और जल्दी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। लेकिन वो तोमर यूनियन का जो धरना था वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ था, जिसके चलते वहां के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून में ऐसा काम किया जा रहा है जिससे देहरादून शहर के साथ साथ मसूरी और ऋषिकेश को भी और ज्यादा बेहतर विकास की ओर ले जाया जा सके। इसी क्रम में देहरादून में एमडीए द्वारा एक फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है। फॉरेस्ट पार्क जो कि 12.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इस पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं। खासतौर पर पार्क में बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग, भूलभुलैया और एक मिनी पार्क जिसमें उनके खेलने की सभी व्यवस्था है। तो इसके साथ ही जिम और एक मिनी लाइब्रेरी भी मौजूद है। इसके बाद एक नक्षत्र पार्क भी उसके अंदर बनाया गया है। देखिए, दो तरह के उसमें हमने रखे हुए हैं। ये तो जो औषधीय वृक्ष हैं, चाहे आंवला है, बेल है, जो अर्जुन है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं, तो उस तरह के वृक्षारोपण हमने उसमें किया है। और दूसरा जो नक्षत्रों से संबंधित है, पीपल है या शमी है, ताकि एक तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी बताना जरूरी है कि कितने प्रजाति के वृक्ष हैं यहाँ पर, जिनको अधिकतम हम आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। और साथ ही साथ किसी को अगर पूजा पाठ की दृष्टि से वहाँ जाना है तो जा सकते। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून में चोरी छिपे नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में होटल की आड़ में अवैध देह व्यापार चलाने की जानकारी मिली थी, जिस पर एसएसपी द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और नेहरू कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने के निर्देश दिए गए। टीम ने दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित होटल नेगी पैलेस पर अचानक चेकिंग करते हुए देह व्यापार के कार्य में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और होटल से अलग अलग राज्य जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की 4 महिलाएं मिली। पुलिस टीम ने पूछताछ पर मुख्य आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह नोएडा में देह व्यापार के अपराध में 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रेमनगर टी स्टेट में सोमवार रात पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस के घेराबंदी के चलते बदमाश फरार हो गए। एसएसपी और एसपी सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मुठभेड़ का जायजा लिया।
जिले भर में सभी आउटपोस्ट पर सघन चेकिंग जारी है और जनपद की सीमाएं सील कर दी गई। पुलिस की गोली से घायल बदमाश हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सदस्य है और इससे पहले भी लखनऊ में वाहन चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 315 बोर का देसी तमंचा भी बरामद किया। रामनगर में मिलावट के खिलाफ प्रशासन की टीम ने अभियान चलाया है, जहां अभियान चलाते हुए गंदगी में प्रतिबंधित केमिकल से बना रहे दिवाली को लेकर कड़ी कार्रवाई की है, जिसपे सोन पपड़ी, मिल्क केक और बतासे सहित 3 कारखाने सील किए हैं। लाइसेंस लिया ही नहीं, फल पालन कहां से तो मिलावट खोरों के खिलाफ जिला प्रशासन का यहां पर एक्शन देखने को मिला है, जहां पर मिलावट के लिए बना रहे सोन पपड़ी और अन्य कई सामग्री यहां पर सील की गई है। 3 कारखानों को भी प्रशासन ने सील किया है। वहीं मिलावट खोरों के खिलाफ प्रशासन का यहां पर सख्त कदम देखने को मिला है। मिलावट पर प्रशासन का सख्त अभियान चलाया गया है, जहाँ पर मिलावट खोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लाइसेंस है? नहीं है। और लाइसेंस अगर होता लाइसेंस करते फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।